तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कि किस तरीके से हम मीडिया क्वेरी पे काम कर सकते हैं। आज कर रहे हैं अपन एनिमेशन। एनिमेशन में लाइक आप क्या कर सकते हो, कोई पॉपअप करके दिखाना है, कोई हाँ स्लाइड शो दिखाना है, वो सब चीज़ें लेके चलते हैं। पहले बेसिक एनिमेशन करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ना डिव लेते हैं, डिव क्लास, इसका नाम देते हैं बॉक्स, और इसमें एनिमेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक CSS लिंक करता हूँ, लिंक CSS, उसका नाम दे दिया मैंने animation.css, इसका नाम दे दिया animation.css। ठीक है, animation.css इसका नाम मैंने दे दिया, animation.css दे दिया। इसकी फाइल कॉल करा लेते हैं, control-s animation.css। ठीक है, बॉक्स बनाया था मैंने यहाँ पे, डॉट बॉक्स। इसकी विड्थ दे दी हमने 200 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी हमने 200 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका रेड। रन करके देखते हैं फाइल को, तो ये बॉक्स आ रहा है मेरे को, है ना। मैं चाहता क्या हूँ कि ना ये जो बॉक्स है ना, इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, नमस्ते, आ जाओ। तो कलर चेंज हो जाए तो आपको क्या करना है, CSS में जाना है और यूँ लिखना है @, ठीक है, @ keyframes। ठीक है, और यहाँ पे उस एनिमेशन का नाम आना है, तो पहले यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा एनिमेशन। ठीक है, कॉलन, इसका नाम दे दिया मैंने माई बॉक्स, और कितने सेकंड की एनिमेशन चाहिए वो डालना है यहाँ पे 2 सेकंड, और यहाँ पे बस बंद कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा माई बॉक्स, और यहाँ पे आपने लिखना है फ्रॉम, और यहाँ लिखना है आपने टू। ठीक है, एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ खत्म होगी। अब मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड कलर रेड, और यहाँ लिखा मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन। अब चेक करते हैं, समझ में आया, तो क्या हुआ, अब ऐसे एनिमेशन आई यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ग्रीन से रेड हो गया। मैं चाह रहा हूँ ये एनिमेशन ना कंटिन्यूस चलती रहे, नहीं पहले 5 बार चले बस। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, और इसका टाइम मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ, 0.5 सेकेंड। तो देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम चली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 5 की जगह इनफाइनाइट, तो कंटिन्यू चलती रहेगी एनिमेशन, बंद नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये ना ब्लिंक सा कर रहा है। अपने को क्या करना है कि ना थोड़ा स्मूथ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक तो तरीका है हमारे पास फ्रॉम और एक टू, एक तरीका है हमारे पास 0%, 50% और 100%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा है यहाँ पे बैकग्राउंड कौन सा है, रेड, बैकग्राउंड ब्लैक, बैकग्राउंड रेड। देखो क्या हुआ, ठीक है, आया समझ में, आगे ना क्लियर है ना। तो इस तरीके कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये ऐसे स्मूथ चल रहा है, क्योंकि तो हमने क्या बोला कि जब इस टाइम स्टार्ट होगा 2 से 0.5 सेकंड स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, ये रेड कलर होगा। जब 50% टाइम खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, फिर 100% पे वापस रेड हो जाएगा। तो लूप चलता रहेगा एक तरीके से हमारा, है ना। ठीक है, तो हम कुछ भी एनिमेशन दे सकते हैं। अगर हमें मूवमेंट देनी है लाइक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोई ना कोई पोजीशन लगा देता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट, ताकि वो जगह छोड़ दे और मूव कर जाए। तो मैंने यहाँ लिखा है डिफॉल्ट left 0, left 0। अभी शुरू में ये कहाँ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ लग के आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये पहले यहाँ चला जाए, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे मैंने लिखा left 0, मतलब स्टार्टिंग 0 से ही होगी, left 500 पिक्सल और left 0। ये देखो, ये एनिमेशन हमारी इस तरीके से हो गई। ठीक है, आपने क्या करा, उसी के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देते ताकि थोड़ा टाइम लगे।
ये हमारे पास इस तरीके से एनिमेशन आ रही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका लेफ्ट बढ़ा देता हूँ, 700 पिक्सल। सिर्फ जरूरी नहीं कि आप ना 0, 50, 100 ही करो, आप यहाँ पे 0, 20%, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 70%, यहाँ पे 100%, तो अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि ना ये जो लेफ्ट है ना जीरो, ये जीरो रहेगा तो टॉप भी जीरो रहेगा, मतलब टॉप से भी जीरो रहेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 20% पे पता क्या होगा, 20% पे होगा लेफ्ट 700 पिक्सल, ठीक है, और ना टॉप जीरो ही रहेगा, टॉप जीरो ही रहेगा। 50% पे क्या होगा, टॉप टॉप तो जीरो रहेगा, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, लेफ्ट के 700 पिक्सल ही रहेगा, पर टॉप ना कितना हो जाएगा, 500 पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा 50% के बाद 75% पे क्या होगा, लेफ्ट ना जीरो हो जाएगा और टॉप ना टॉप रहेगा उतना ही, 500 पिक्सल, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि ना 100% पे पता क्या होगा, लेफ्ट भी जीरो होगा, टॉप भी जीरो होगा। देखो एनिमेशन क्या आ रही है, तो स्टार्टिंग में जैसे लोडर बनाना होता तो वो भी आप बना सकते हैं इससे। तो देखो ये एनिमेशन हमारी इस तरीके से आ रही है, कुछ भी चीजें ऐड कर सकते हो उसके अंदर। जैसे मैं चाहता हूँ कि ना मुझे ना घूमता हुआ चाहिए, तो आपने क्या करा, सर्कल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री, और यहाँ लिख दिया मैंने ट्रांसफॉर्म रोटेट रोटेट 360 डिग्री। अब कुछ हुआ तो एनिमेशन आ गई हमारे पास, आया ना समझ में। चलो तो अब एक जरा एक काम करते हैं, इसको यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो काफी सही सही एनिमेशन हो जाएगी इससे, है ना। तो मुझे ना एक ना वो बनाना है, हेडर, हेडर आपको बनाना आता ही है ना। हम ना क्या करते हैं, हेडर के अंदर एनिमेशन देंगे इससे, ठीक है। हेडर के अंदर एनिमेशन देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे HTML5 लिखा, हाँ मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। ऑफिस? हाँ ऑफिस आ गया मैं। अच्छा, वो कंप्लीट हो गई? हाँ कंप्लीट हो गई, अपलोड कर रहा हूँ बस मैं। आधी तो मैंने कल ही अपलोड कर दी थी, आधी मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, हो गई है वैसे लोकल में, ठीक है। आप कर लो, और लाइव करोगे तो? हाँ मैं, हाँ लाइव करोगे दिख जाएगी, तो ओके। चलो ठीक है, तो ये आ गया, ऑनलाइन आ गया ना ये चीज, तो इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। तो समझ में ये हो गया हमारा एनिमेशन, तो इस तरीके से हमारी चल रही है कंटिन्यूस, ठीक है। अब मुझे ना हेडर चाहिए था, मैंने हेडर बनाया यहाँ पे हेडर, और हेडर के अंदर मैंने लिया ULLIA, ठीक है। इसमें लगाया हैशटैग होम, इसी की कॉपी कर ली हमने, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, और यहाँ पे लगा लिया हमने अबाउट अस, और यहाँ पे रखा हमने सर्विसेज, और यहाँ लिखा हमने गैलरी, और इधर रख दिया हमने कॉन्टेक्ट अस। रन करके देखते हैं कैसा आ रहा है। हमने क्या कहा कि हेडर की सीएसएस, हमने लिंक css header.css, नई फाइल ली, सेव किया header.css, और यहाँ पे लिखा हमने header ULLI, ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। पहले वाले फोल्डर में लिख के करा सकते हो क्या? हाँ करा सकते हो। फिर हेडिंग
20 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया हैडर का, बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा इसके अंदर ULLIA, तो हेडर के अंदर UL के अंदर LIA, और इसके अंदर कलर दे दिया मैंने यहाँ पे वाइट, ये आ गया। और देन मैंने यहाँ पे टेस्ट की डेकोरेशन कर दी नन, इससे क्या होता है लाइन हट जाएगी, राइट। तो ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी स्पेसिंग हटानी है डिफॉल्ट वाली जो आती है वो। ये कैसे हटाते हैं, स्टार मार्जिन जीरो, ठीक है आ गया, मार्जिन जीरो, हेडिंग जीरो और बॉक्स आइकन साइजिंग बॉर्डर आइकन बॉक्स हमारे पे ये आ गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, ये एनिमेट होता हुआ है तो हमने क्या करा, यहाँ पे लगा दी पोजीशन फिक्स लगाया था, फिक्स लगा दी, ठीक है, कोई ना कोई पोजीशन लगानी है उस केस में। हमें लिखना है यहाँ पे एनिमेशन, तो यहाँ लिखा है एनिमेशन कितने सेकंड की, एक सेकंड की, और यहाँ लिख देना है हेड हेड, ठीक है बस। और यहाँ लिखना है एडरेट की फ्रेम हेड, और यहाँ लिखा हमने फ्रॉम या 0%, और यहाँ लिख दिया मैंने 100%, या फ्रॉम और टू भी लिख सकते हैं। टॉप माइनस में मैंने 100 पिक्सल कर दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने टॉप 0। तो अब देखो एनिमेशन क्या आई, ऐसे ही आ रही है, ठीक है। मैं हेडर की विड्थ देता हूँ 100%। जैसी वेबसाइट खुलेगी तो क्या होगा, ऐसे एनिमेशन आएगी। बट थोड़ा सा ना इसे माइनस में 200 पिक्सल कर देता हूँ, 300, और यहाँ पे मैं टॉप 0 लिख देता हूँ। तो अब देखो रिफ्रेश किया तो ऐसे एनिमेशन आ रही है, जैसे वेबसाइट खुल रही है इस तरीके से एनिमेशन आ रही है, ठीक है। टाइमिंग थोड़ी बढ़ानी है, 1 सेकंड की जगह 2 सेकंड करना है, 2 सेकंड कर दिया। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, आगे समझ में। तो ये आ गया। अब मैं चाह कह रहा हूँ सर्विस पे कोई होवर लेके जाए ना, तो एक ड्रॉप डाउन आया और ड्रॉप डाउन भी एनिमेट होता हुआ है, ठीक है। ड्रॉप डाउन तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, है ना। इसके अंदर एल आई के अंदर क्या करेंगे अपन, एक और यू एल बना लेंगे, इसी के अंदर एल आई, इसके अंदर ही ए, ठीक है। इसका नाम रख लिया हमने हैशटैग, और यहाँ रख लिया हमने सर्विस वन, और इसी एल आई की कॉपी कर ली अपन ने, दो सर्विस, तीन सर्विस आ गई हमारे पास, 1 2 3। हमने क्या करा, यहाँ लिखा हेडर के अंदर UL LI, ठीक है, और उसके अंदर UL, और हमने कहा कि ना अभी कैसा आउटपुट आ रहा है, अभी ऐसा आ रहा है सर्विस वन सर्विस टू। हमने कहा पोजीशन एब्सोल्यूट ताकि ये अपनी जगह छोड़ दे, उसको रिएक्ट ना करे। तो अभी कैसा आ रहा है, नीचे आ रहा होगा। बैकग्राउंड कलर दे देते इसका ब्लैक, बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दिया तो भी दिखाई दे रहा है हमारा ये ऐसे। इसकी विड्थ दे दी हमने कुछ 120 पिक्सल विड्थ दे दी मैंने इसकी, तो ये ऐसे आ रहा है सर्विस वन सर्विस टू सर्विस थ्री। अब मैंने क्या कहा कि ये ना गायब हो जाए, तो गायब करने के लिए क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले नन, तो डिस्प्ले नन से ये गायब हो गया। अब मुझे विजिबल कराना है तो क्या करेंगे, अपने को विजिबल कराना है तो हम यहाँ लिखेंगे हेडर के अंदर यूएल एल आई पे होवर जाने पे, तो यूएल जो है वो डिस्प्ले नन की जगह अपोजिट क्या है, ब्लॉक। तो होवर जाने पे क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हो रहा है, तो ये हमारा यहाँ ब्लॉक हो गया। पर मुझे क्या करना है, एनिमेशन देनी है, एनिमेशन देनी है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने यूएल बनाया था ना ये वाला जिसमें एब्सोल्यूट लगा रखी है, उसमें लिख देंगे एनिमेशन, कितने सेकंड की एनिमेशन, 1 सेकंड की एनिमेशन। इसका नाम दे दिया मैंने ड्रॉप, और नीचे एनिमेशन को मैंशन कर देते हैं। तो कैसे मैंशन करेंगे, एडरेट की फ्रेम्स ड्रॉप, यहाँ लिखा हमने। अब सबसे पहले हमें ना क्या करना है, इसकी पोजीशन सेट करनी है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट लगाई रखी थी हमने, या टॉप मेंशन करना है, टॉप मैंने 60 पिक्सल सेट कर दिया, देखते जरा क्या आ रहा है। टॉप 60 पिक्सल से कैसा आ रहा है, ये नीचे आ रहा है थोड़ा सा, है ना, इतना ही रखना है तो ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतना ही रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0%
और 100%। और नाम क्या रखा था, ड्रॉप टॉप लिखा मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल, और यहाँ लिखा मैंने टॉप 60 पिक्सल, जितना ऊपर डिफाइन किया था हमने। देखो क्या एनिमेशन आ गया, क्या एनिमेशन आ गया भाई, ठीक है। फ्रॉम टू में बस दो ही, हाँ फ्रॉम टू में दो ही चले गए जाता था, अभी मैंने दो ही लिए, वैसे हम इसमें भी फ्रॉम टू यूज कर सकते थे, ठीक है। एनिमेशन बहुत टाइम ले रही है, तो मैं काम करता हूँ एनिमेशन में 0.2 सेकंड कर देता हूँ, तो बहुत कम टाइम लेगी। आगे समझ में, ये हमारा इस तरीके से बन गया। यही नहीं, अगर आप ना इसी को कॉपी कर लोगे, कॉपी करके इसे यहाँ रख लेते हो, इसके इस वाले भी यूएल पे डाल दिया आपने, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, दोनों आ गए, ठीक है। तो मैं चाह क्या रहा हूँ कि ना ये जब होवर जाए, तब जिसको होवर ले जाऊँ तो ये आए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर काय सर्विस वाली ये वाला, हाँ इसके अंदर जाके आपको ना इसके इनसाइडर दिखाना पड़ेगा। तो इनसाइडर के लिए ये टैग होता है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा, इससे जब मैं इस पर होवर ले जाऊंगा तो यही आएगा, यही आ रहा है। जब इस पर होवर ले जाऊंगा तो ये आएगा, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से सेट होगा, क्लियर है। आ गया ना समझ में। तो ऐसे हम ये बना सकते हैं, कुछ भी एनिमेशन दे सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे रोटेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 degree और ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 degree। तो क्या होगा, हुआ नहीं है, अच्छा दूसरे में लगा दिया, ड्रॉप वाले भी लगा देना मुझे। चेक करते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो हम इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा ड्रॉप डाउन इस तरीके से बन गया जैसा भी हमें चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड होवर जाने पे बैकग्राउंड चेंज करना हो तो तुम्हें आता ही है, किस तरीके से चेंज करेंगे बैकग्राउंड, रेड वेड जो भी करना है। तो ये हमारे पास एनिमेशन ये ऐसे आ रही है इस तरीके से, स्वॉम्प पॉप अप करके दिखाना है, ये सब चीज़ें पॉसिबल है। हेलो, दोबारा बोलिए आप क्या कह रहे हो। नहीं मैम, गलत नंबर है ये। वो तो बहुत परेशान है, ठीक है, आगे समझ में। तो इस तरीके से अपन ऐसे बना सकते, तो चीज़ें क्लियर हो गई आपको, हेडर ये समझ में आ गया, एनिमेशन का रोल क्लियर हो गया। अलग अलग तरीके के एनिमेशन ट्राई करनी है, हेडर का कलर चेंज होता रहे बार बार ही, हेडर का कलर चेंज होता रहे, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। फिर अगर हेडर का कलर चेंज करना है पर फिर उसमें दिक्कत क्या होगी, ये भी बार बार आता रहेगा, क्योंकि एनिमेशन हेडर ने यहाँ नहीं दे रखे ना, हमने कहीं दिए यहाँ पर एनिमेशन यहाँ दे रखी है हमने, तो कलर चेंज इसका चेंज होता रहेगा। तो एक ही एनिमेशन दे सकते हो कि अगर नहीं तो फिर मैं इसमें इनफाइनाइट लगा दूंगा तो ये बार बार ये भी ऊपर नीचे होता रहेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। यूएल का अंदर इनसाइट करके एक कलर चेंज करवा सकते हो आप चाहो तो, यूएल का कलर चेंज कर सकते हो, हेडर का, यूएल का, इसका कलर चेंज कर सकते हो, कोई बात नहीं, अभी इतना ही चाहिए हमारे लिए। तो इस तरीके से हमने एनिमेशन ये बना ली। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ चीज़ पॉपअप करती रहे, तो जैसे व्हाट्सअप का आइकन पॉपअप करता रहे, कॉल का आइकन पॉपअप करता रहे। तो देखो मैंने एक और छोटा सा बता रहा हूँ मैं आपको, व्हाट्सअप मैंने एक बटन बनाया, यहाँ पे मैं सी एस एस दे देता हूँ, व्हाट्सअप डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर लेना, विथ 80 पिक्सल, हाइट 80 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर टमाटो, ठीक है, और पोजीशन फिक्स, और बॉटम 20 पिक्सल, और राइट 20 पिक्सल। आ गए हमारे पास, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस 50%,
ये सर्कल बन गया हमारे का, सर्कल पॉपअप करता रहे तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे एनिमेशन लगा देंगे, पॉप नाम दे दिया एनिमेशन का, 1 सेकंड की एनिमेशन रहेगी और कंटिन्यू चलती रहेगी इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे नीचे लिखेंगे @ की फ्रेम्स, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोलते हैं इसका नाम क्या है हमारा पॉप और फ्रॉम और टू, क्या 0% 50% और 100%। अगर किसी चीज को स्केल कम ज्यादा करना है तो उसके लिए होता है ट्रांसफॉर्म स्केल 1 कर दिया यहाँ पे मैंने, फिर कॉपी किया फिर पेस्ट करा, इसमें मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ 0.7 और यहाँ पे मैंने फिर से पेस्ट कर दिया 1। तो देखो इससे क्या हुआ, ये कंटिन्यूस ऐसे पॉपअप करता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, लाइक किसी को हाईलाइट कराना होता है तो हम ऐसे करा सकते हैं इसको। ठीक है, आया समझ में आपको? तो हमने इस तरीके से पूरी एनिमेशन कवर करी है, आज इतना ही करके देखना है, फिर ना हमने इसमें ना स्लाइड शो भी बनाना सीखेगा किस तरीके स्लाइड शो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी पहले अच्छे से एनिमेशन जो मैंने कराई है वैसे ही समझ लो, जैसे मैंने ये वाली भी कराई है इस तरीके से बना के देखना है, बॉक्सेस बॉक्स के इधर जा रहे उधर जा रहे इस तरीके से एनिमेशन दे के देखना, ये तभी काम करेगा जब आपने पोजिशन यूज करी है। ठीक है, पोजिशन एब्सोल्यूट या रिलेटिव, एब्सोल्यूट यूज करना क्योंकि एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देती है, और ये तो आप एनिमेशन ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने एक एनिमेशन सेट कर लेना। तो जो भी तुमने वेबसाइट बना रहे हो ना उसके अंदर इसे यूज कर लेना। ठीक है, कोई भी वेबसाइट बना रखे हो उसमें एनिमेशन इस तरीके से लगा देना। ठीक है, समझ में आ गया ना तुमको? अब बैकग्राउंड चेंज करना हो, जैसे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, अब मैंने आज का बैकग्राउंड कलर क्या दिया, टमाटो दिया है ना, इसके यहाँ पे लिखा हमने बैकग्राउंड टमाटो, बैकग्राउंड स्कैन, बैकग्राउंड टमाटो। थिंकिंग करनी है किसी की तो उस तरीके से मैं कराता हूँ। ठीक है, पहले जो CSS2 थी उसके अंदर ये था नहीं CSS एनिमेशन का, अभी CSS3 में आ गई है। ठीक है, अपग्रेडेड हो गई, तो अब काफ़ी अब वेबसाइटों में एनिमेशन बहुत होती है।